अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं तो देखिए आप सभी में से ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स होंगे डीडी फ्री डिश के, जिनके मन में यह सवाल बना हुआ होगा कि बी फॉर यू कड़क जो कि उनके लिए 31 मई 2019 से लॉन्च होने जा रहा है, तो वह कौन से स्लॉट में लॉन्च होगा। क्या वह हमारे लिए MPG2 स्लॉट में आएगा या फिर वह हमारे लिए MPG4 में आएगा, क्योंकि अगर वह MPG2 में आता है तो वह सभी के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन अगर वह MPG4 में आता है तो वह कुछ ही सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होगा जिनके पास MPG4 का, डीडी फ्री डिश का या फिर कह लीजिए तो किसी दूसरी कंपनी का फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है। इसके अलावा आप सभी के मन में यह भी सवाल जरूर होगा कि बी फॉर यू कड़क पर किस तरह की फिल्में आपको देखने को मिलने वाली हैं, उसमें क्या आपको केवल हिंदी फिल्में देखने को मिलेंगी या फिर किसी अन्य तरह की लाइब्रेरीज की भी फिल्में हमें देखने को मिलेंगी। तो इस सभी सवालों का जो जवाब है आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है उसका आपको मैं जवाब दे देता हूं। बी फॉर यू कड़क जो चैनल आपका लॉन्च होने जा रहा है वो MPG2 में लॉन्च होने जा रहा है। तो देखिए ये सबसे अच्छी जो खबर है वो यही है कि डीडी फ्री डिश के उपभोक्ताओं के लिए ये MPG2 स्लॉट में आएगा, यानी कि ये जितने भी डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं ये सभी के लिए अवेलेबल होगा और ये आपका 31 मई 2019 से लॉन्च होने जा रहा है। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि कौन से स्लॉट में देखिए लॉन्च होगा, क्योंकि कोई भी स्लॉट हमारे लिए खाली नहीं बचा है। तो देखिए आपका मूवी हाउस जो हिंदी फिल्मों का चैनल अभी आता है वो आपके लिए हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है और उसी की जगह पर बी फॉर यू कड़क जगह लेगा। जिस तरह से आशीर्वाद की जगह पर हमें बी फॉर यू भोजपुरी देखने को मिला है, तो उसी तरह से मूवी हाउस की जगह आपको बी फॉर यू कड़क देखने को मिलने वाला है। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि बी फॉर यू जो कड़क है वो कोई नया चैनल नहीं है बल्कि वह मूवी हाउस को रिब्रांड करके किया जा रहा है। तो देखिए मूवी हाउस में बिल्कुल जो लाइब्रेरीज है मूवीज की वो बिल्कुल बेहद अलग है, चैनल का कंटेंट अलग है, चैनल ही अलग है, और जबकि बी फॉर यू जो कड़क है वो आपका 31 मई से कुछ नए तरीके से देखने को मिलेगा, जहां चैनल का नाम अलग है, चैनल का लोगो अलग है, तो कंटेंट भी बिल्कुल अलग रहने वाला है। तो ये एक तरह से नया चैनल है जो कि आपके लिए पेश किया जाने वाला है। बात आती है कि इसका कंटेंट किस तरह का रहने वाला है। तो देखिए कंटेंट की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने प्रोमोज में जारी किया है तो उसके अनुसार यहाँ पे पूरी तरह से आपको हिंदी फिल्में यानी 100% हिंदी फिल्में देखने को नहीं मिलेंगी। यहां पर आप कह लीजिए तो 50 से 60% आपकी हिंदी फिल्में रहेंगी, तो 40% के आसपास करीब आपको साउथ इंडियन की डब्ड फिल्म्स देखने को मिल सकती हैं, जिस तरह से हमें बाकी चैनल्स पर साउथ इंडियन फिल्में देखने को मिलती हैं जो कि हिंदी में हमें डब करके दी जाती हैं। तो उसी तरह से बी फॉर यू कड़क का कंटेंट भी इसी तरह का रहने वाला है, जहां पर आपको हिंदी फिल्में भी देखने को मिलेंगी तो साथ ही साथ साउथ इंडियन फिल्में भी देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी फिल्मों का कंटेंट किस तरह का रहने वाला। तो देखिए हिंदी फिल्मों में जहां तक खबर आ रही है तो उसके अनुसार इनके पास कुछ लेटेस्ट फिल्में तो नहीं रहने वाली, लेकिन जिस तरह से बाकी चैनल्स पर हमें फिल्में देखने को मिलती हैं तो उससे ही ये सैटेलाइट राइट्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक प्रोमो शो किया है, जैसे अब सामने पिक्चर पेश कर रहा हूं, तो इस प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि सोनी मैक्स से इन्होंने बाहुबली का कंटेंट जो है वो उठा लिया है, यानी सैटेलाइट राइट्स हैं वो बी फॉर यू कड़क ने बाहुबली को पेश करने के लिए फिल्म को अपने पास हासिल कर लिया है, यानी कि बी फॉर यू कड़क पर अब आपको बाहुबली फिल्म भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने लगता है कि जी सिनेमा यानी जी नेटवर्क की और सभी कुछ फिल्मों के राइट्स उठाए, जैसे कि उन्होंने श्रीदेवी का एक किरदार जो है सामने पेश किया है प्रोमो में, तो साफ जाहिर होता है कि या तो इनकी फिल्म मोम है या कोई और दूसरी फिल्म है जिसके ये जो है पेश करने वाले हैं। ऐसी बहुत सी अनगिनत फिल्में होंगी जो कि आपके लिए यहां पर पेश की जाएंगी हिंदी फिल्मों के लिए। इसके अलावा अगर हम साउथ डब्ड फिल्मों की बात करें तो यहां पर बी फॉर यू कड़क का कहना है कि हम जो है यहां पर कुछ ऐसी फिल्मों को पेश करेंगे जो कि पहले कभी किसी भी आपको दूसरे चैनल पर देखने को नहीं मिली होंगी। जैसे कि आपको मालूम है कि बाकी चैनल भी हमारे लिए साउथ इंडियन फिल्मों को पेश करते हैं हिंदी में, तो उसी तरह से यहां पर भी पेश होंगी, लेकिन यहां जो फिल्में पेश होने वाली हैं वो आपको किसी दूसरे चैनल पर कभी भी देखने को नहीं मिली होंगी। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये आपके लिए वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर करने वाला है साउथ इंडियन फिल्मों को लेकर, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह का कंटेंट जो इसमें रहने वाला है। बाकी अगर कोई भी सवाल है या आपको कोई भी परेशानी अभी आ रही है तो मुझे आप कमेंट सेशन में जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।